नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में महागठबंधन की सरकार को 2 साल से अधिक हो जाने के बाद भी कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर अभी तक नहीं बनाई गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और जेएमएम के नेता अलग अलग तर्क दे रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाने को लेकर पहल जारी है, जल्द बनेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है, कुछ कारणों से कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाया था लेकिन फिर भी महागठबंधन में तीनों पार्टी के जो भी मैनिफेस्टो में है सभी पार्टी अपने तरीके से पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सभी काम अच्छे चल रहे हैं, जब जरूरत होगा तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जहां तक बात है तो अभी तक जो कृषि लोन की बात हो या जो यूनिवर्सल पेंशन की बात हो, सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, उससे लोगों को सुविधा होगी कि जो हम 3 दल के लोग मिलकर के बने हैं, सरकार बनाए हैं, किसकी क्या वचन पत्र में या घोषणा पत्र में उन लोगों ने क्या वायदे किए हैं, उसका एक कॉमन मिनिमम बना करके हम लोग उस प्रोग्राम को लागू कर सकते हैं। उस दिशा में पहल जारी है और हम समझते हैं बहुत जल्द आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन कमेटी का खाका तैयार मिलेगा। अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की सहमति होती है गठबंधन दलों राजद की है, कांग्रेस है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, लेकिन अभी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है जब कोऑर्डिनेशन में कमी होती है। हमें लगता है कि कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है, सभी विधायक सभी नेता अपनी बातों को रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उसको संज्ञान लेते हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी बातों को तवज्जो देने का काम इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जरूरत महसूस होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, ये तय हमारे माननीय जो विधान जो हमारे नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, गुरु जी हैं, ये सभी लोग मिलकर करेंगे।